आपका स्वागत। आज मैं बनाने जा रही हूँ विंटर स्पेशल पालक पनीर पराठा। पालक पनीर पराठा के लिए एक मुट्ठी मैंने पालक लिया है, खूब बारीक इसको कट कर लिया है। खूब अच्छी तरीके से धुलने के बाद 2 कप मैदा, 1 कप मैदा, 1 कप आटा और 1 कप चने का बेसन लिया है। 1 मुट्ठी धनिया पत्ती, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच कलौजी, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, अजवाइन 1 चम्मच, सारे को इसमें डाल दूँगी। और ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च जिसको मैंने क्रश कर लिया है, इसमें मिक्सर में क्रश कर लिया है, दरदरा पीस लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ। ये बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार और चटपटा यह नाश्ता होगा। 1 चम्मच रिफाइंड डाल रही हूँ, मिक्स कर दूँगी इसको, खूब अच्छी तरीके से इसको गूंद लूँगी। पानी डाल के इसको सॉफ्ट इसका डो बनाऊंगी। डाल दिया है और इसको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए छोड़ दे रहे हैं। 100 ग्राम पनीर है, इसको मैं इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ। स्टफिंग बना रही हूँ, तो ये देखिए इसमें भुना हुआ ज़ीरा, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का अदरक लहसुन सारे को मैंने दरदरा पीस लिया है, नमक स्वाद अनुसार 1/2 चम्मच, कुटे हुए लाल मिर्च, भुना हुआ ज़ीरा 1 चम्मच, थोड़ी सी धनिया पत्ती इसमें मिक्स कर दिया है। मैं थोड़ा चाट मसाला भी डाल रही हूँ, इससे और भी चटपटा और बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़ेदार पराठा तैयार होगा। आप बना के देखें, बहुत ही मज़ेदार। मेरे टिप्स से आप बनाएं, ज़रूर बेहतरीन पराठा आपका तैयार होगा। तो चलिए, ये पेड़ा बना लिया है मैंने, अब इसको बेल लेती हूँ हल्के हाथों से। इसमें फैला के 1 चम्मच पनीर डाल रही हूँ, यह स्टफिंग भर के इस तरह से पराठे को मोड़ दूंगी। इसी तरह से सारे पराठे को बना लेना है। ये लास्ट पराठा है, इसको भी इसी तरह से घी अप्लाई कर दूंगी इस पर, और उसके बाद अलग पलट के इसको तैयार कर लूंगी। तो ये देखिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार ये मेरा पालक पनीर पराठा विंटर स्पेशल तैयार हो चुका है। देखिए ये गर्म गर्म खाने से बहुत ही लजीज होगा। तो ये देखिए, तो इसी तरह से ये चट्टा पराठा है मेरा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार मेरा पराठा तैयार हो चुका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, शुक्रिया। कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।